नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़, में अमित भूबिया। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और कश्मीर घाटी तिरंगे के तीन रंगों में रंग जाएगी। मैं उसी जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं जहां पर कभी तिरंगा फहराना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इतनी बड़ी बात हुआ करती थी कि जिस व्यक्ति ने आज से कई साल पहले जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराया था, वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने अलगाववादियों को चुनौती देकर ये तिरंगा फहराया था। आप खुद देख लीजिए। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध दिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापिस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। तो देखा आपने, ये हैं 1992 के मोदी, अब के प्रधानमंत्री मोदी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने हर पंचायत में तिरंगा फहराने के लिए सिल्क और खादी के 50,000 झंडे दिल्ली से मंगवाए हैं। ये झंडे कार्यकर्ताओं और पंचायतों में बांटे जाएंगे। नए बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 15 अगस्त के मौके पर 4,000 से ज़्यादा पंचायतों में ये झंडे फहराए जाएंगे। इसके साथ ही सभी गाँव में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर इतने बड़े पैमाने पर तिरंगा फहराने की योजना के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनकी टीम कर रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सिल्क के 25,000 और खादी के 25,000 तिरंगे दिल्ली से विशेष ऑर्डर करके मंगवाए गए हैं। ये तिरंगे जम्मू, श्रीनगर और लेह में बांटे जाएंगे। सभी सरपंचों और पंचों को इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी दे दी गई है। रैना ने कहा कि जश्न आज़ादी के लिए जबरदस्त जोश है। ऐसा लग रहा है कि पहली बार गुलामी से बाहर निकलकर हम ऐसा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस अवसर पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जाएगी। वैसे अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की नज़र में बकरीद पर शांतिपूर्ण मोटरसाइकिल रैली निकालने की अनुमति दी जा सकती है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रदेश के DGP दिलबाग सिंह और मुख्य सचिव BBR सुब्रमण्यम से चर्चा की और हालात पर सख्त नज़र रखने के निर्देश दिए। इस बार भी हर बार की तरह स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। जिस कश्मीर में दो झंडे हुआ करते थे, अब वहां भी तिरंगा लहराएगा। 15 अगस्त को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं, आप उस दिन क्या देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम भी आपकी राय के आधार पर तैयारियां शुरू कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।